हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रवेश पत्र, यूपी टेट का प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें, किस वेबसाइट से डाउनलोड करें और क्या दिशा निर्देश है उसके बारे में। तो बने रहें हिंदी क्लब के साथ, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हिंदी क्लब। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है। सबसे पहला प्रश्न था कि कहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड यूपी टेट 2017 का। तो सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे upbasicedubord.gov.in। जैसे ही एड्रेस बार में, ब्राउजर के एड्रेस बार में इसको लिखेंगे और उसके बाद इंटर दबाएंगे तो आपके पास ये खुलेगा जो सामने आपको दिख रहा है, क्लिक हियर टू यूपी टेट 2017। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना होता था। क्लिक करने के बाद ये खुलता है आपका प्रवेश पत्र। प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही, जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक किए तो नया खुलेगा ये। इसको खुलने के बाद आपको डालना क्या है, रजिस्ट्रेशन संख्या नंबर डालना, फिर डालना आपको जन्म तिथि। डालने के बाद आप जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन अभी साइट थोड़ी लेंदी चल रही है जिसके कारण आप एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पा रहे, तो थोड़ा सा इंतजार कर लें। सुबह तक आपका निश्चित ही डाउनलोड हो जाएगा। इसका भी मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे देता हूँ, डायरेक्ट इस पर क्लिक करके जा सकते हैं, वहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मैंने बताया था कि जो भी इंस्ट्रक्शन है, क्या लेके जाना चाहिए क्या नहीं लेके जाना चाहिए, उसके बारे में भी एक नजर डाल लेते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। प्रवेश पत्र, मैं उसका एक प्रारूप दिखा देता हूं और आप यहां देख भी लेंगे। जब आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करेंगे तो यहां आपका फोटो रहेगा, नाम रहेगा, पिताजी का नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, यहां आप कैटेगरी रहेगा, यहाँ रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ परीक्षा केंद्र का नाम और जनपद लिखा हुआ रहेगा। आपका लिखित परीक्षा की तिथि एवं समय यहाँ रहेगा। और चलिए हम लोगों को नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए क्या है, इंस्ट्रक्शन भी इसका जान लेना चाहिए केयरफुली, जो इंस्ट्रक्शन है उसको पालन भी तो करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। उपरोक्त परीक्षा के लिए अंकित परीक्षा केंद्र, दिनांक एवं समय पर आपको परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है। यानी इसी समय पे, इसी दिनांक को और इसी परीक्षा केंद्र पे आप परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, इसकी अनुमति आपको है। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण कर लें। 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण कर लें यानी चले जाएं। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को उक्त प्रवेश पत्र के साथ, यानी ये जो प्रवेश पत्र है इसके साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र, जो आपने फॉर्म भरा था उसमें पहचान पत्र तो होगा ही वो, तथा परीक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र, जो भी आपके पास परीक्षण योग्यता है उसका प्रमाण पत्र, अथवा किसी भी सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है। यानी अगर जिस सेमेस्टर में है उसका, यानी जो अपेयरिंग में थे वो भी अपना अंक पत्र लेके जाएंगे। ओके, उक्त के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। मतलब इसके बिना आपको अनुमति नहीं है कि आप परीक्षा में प्रवेश, मतलब परीक्षा केंद्र में आप प्रवेश हो सके। चलिए अब इसका इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। परीक्षा हेतु, पहला है परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र में उल्लिखित केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। 30 मिनट पहले आप लोग पहुंच जाएं और 10 मिनट लेट हो जाएगा तो आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को उक्त प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र तथा परीक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर के निर्गत
अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति साथ लेना अनिवार्य है, उक्त के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी जो मैंने यहाँ पढ़ा वही दोनों यही है। आगे पढ़ता हूँ मैं, प्रवेश पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई पत्रादि, किताबें, नोटबुक, कैलकुलेटर, मोबाइल या कोई अन्य यांत्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है। अनुचित साधन अपनाने या अपनाने का प्रयास करने पर आपको परीक्षा से वंचित करते हुए आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। यानी ये सब आपको नहीं करना है, कोई डिवाइस वगैरह लेके नहीं जाना है, कोई भी अनुचित साधन नहीं अपनाना है आपको। परीक्षा समाप्त हो जाने के उपरांत कक्ष निरीक्षक को ओएमआर सीट जमा करने के बाद कक्ष निरीक्षक की अनुमति से ही परीक्षा कक्ष एवं परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति होगी। प्राथमिक स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर की पात्रता परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाग एक से भाग तीन तक के सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, यानी एक से तीन भाग तक सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। और भाग चार के प्रश्न विषय विशेष से संबंधित होंगे। गणित एवं विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए भाग चार क तथा अन्य सभी अभ्यर्थियों को भाग चार ख के प्रश्नों को हल करना होगा। यानी दो सेगमेंट में आप लोगों का बटा होगा, पहला होगा आपका साइंस का, दूसरा होगा सोशल साइंस का। तो जो साइंस और मैथ के हैं वो साइंस मैथ यानी चार क बनाएंगे, और जो साइंस के अलावे हैं जो साइंस नहीं लिए हैं वो लोग चार का ख बनाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर हेतु ओएमआर सीट पर निर्धारित कॉलम में दिए गए गोले को काले बॉल पॉइंट पेन से काला करें। देखिए एक चीज यहां पे लिखा हुआ है उसको ठीक से ध्यान से देखिएगा, ओएमआर सीट पर निर्धारित कॉलम में दिए गए गोले को काले बॉल पॉइंट पेन से काला करें। काले याद रखिएगा, काला लिखा हुआ, ब्लू नहीं लिखा गया है। अन्य किसी रंग की स्याही के पेन तथा पेंसिल का कदापि प्रयोग न करें। यानी आप ब्लैक पेन लेके जाइएगा, याद रखिए। ओएमआर सीट में ओवरराइटिंग या कटिंग करने पर एक से अधिक घेरे को काला करने पर, किसी घेरे को पूरा काला न करने पर, घेरे पर कोई अन्य निशान बनाने पर या सफेदा लगाने पर मूल्यांकन नहीं होगा। इस लाइन को तो आप दो बार सुन लीजिएगा, आप वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, ये नहीं करना है। ओवर कटिंग वगैरह कुछ नहीं करना है, पूरा गोल काला करना है आपको, उस पर सफेदा वगैरह कुछ नहीं करना है, नहीं तो मूल्यांकन नहीं होगा। अभी बिहार में चल रहा है ये चीज। ओएमआर सीट में निर्धारित स्थान पे हल किए गए प्रश्नों की संख्या शब्दों तथा अंकों में अवश्य उल्लिखित की जाए। यानी ओएमआर सीट निर्धारित स्थान पे हल किए गए प्रश्नों की संख्या लिखना होता है, उसमें शब्दों में भी अंकों में अवश्य उसको लिखना है आपको। उत्तर पत्रक ओएमआर सीट को मोड़े नहीं और ना ही उस पर कोई रफ कार्य करें। ओएमआर सीट पे कुछ रफ कार्य मत कीजिएगा, उसको मोड़ना भी नहीं है। टेक्स्ट बुकलेट प्राप्त होने के बाद तत्काल उसके सभी पेजों की जांच कर लें। जैसे आपको टेक्स्ट बुकलेट मिलता है उसके सभी पेज की जांच, टेक्स्ट बुकलेट आपका हो गया वो क्वेश्चन पेपर जो मिल रहा है उसके सभी पेज की जांच कर लें तुरंत। यदि कोई पेज कम या पूर्ण है तो उसकी सूचना तत्काल कक्ष निरीक्षक को दें। अगर कुछ भी आपको लगता है कम है या कुछ प्रॉब्लम है उसमें तो तुरंत उसकी सूचना कक्ष निरीक्षक को दे दीजिए। यदि बाद में बुकलेट में कोई पेज कम पाया जाता है तो आपको उत्तरदायी मानते हुए वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यानी बाद में अगर होता है तो प्रॉब्लम आपको होगा। अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से ओएमआर सीट उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका नंबर, प्रश्न पुस्तिका सीरीज एवं भाषा विकल्प को लिखें और संबंधित गोले को रंगें, अन्यथा ओएमआर का मूल्यांकन संभव न होगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। यानी जाइएगा शांत मन से, एवरीथिंग भरिएगा, जहां जो लिखा होगा उसको भरिएगा। अगर इसमें आप गड़बड़ी करते हैं या कोई भी छूट जाता ऑप्शन तो उसका उत्तरदायित्व आप खुद होंगे। दृष्टिबाधित अभ्यर्थी अपने साथ श्रुत लेखक ला सकते हैं जिनकी शैक्षिक योग्यता इंटर तक हो, जिसका शपथ पत्र
प्रमाण पत्र साथ लावें। और यहाँ है सिग्नेचर इनका, उसके बाद हो जाता है क्लियर। और मैं आपके साथ लास्ट में कहना ये चाहूँगा कि आराम से जाइएगा और अच्छे तरीके से जो भी आपने तैयारी की है एग्ज़ाम के दिन मन से उस चीज़ को देखिएगा, जो भी क्वेश्चन है मन से दीजिएगा। और होता है ना स्टार्टिंग में जाने के बाद लोग घबरा जाते हैं, क्या प्रश्न आएगा, जल्दी जल्दी देख लें, ऐसा कुछ नहीं। आराम से शांति मन से 2 सेकंड उसको देखिएगा, एक एक क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद टिक कीजिएगा। ऑप्शन भरते समय गलती मत कीजिएगा, ना ही आप समय नष्ट करेंगे और ना ही जल्दीबाजी करेंगे, ये दोनों चीज़ से आपको बचना है। आप प्रत्येक समय का एक एक सेकंड का यूज कीजिएगा आराम से सोचते हुए। मेरे तरफ से बेस्ट विशेष, मैं चाहूँगा कि आप जरूर सफल हो। अगर इसमें कुछ छूट जाता है तो कमेंट बॉक्स हाजिर है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।